हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आशीष राठौर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, आज आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं तेजस एक्सप्रेस के बारे में। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 2016 के रेल बजट में सुरेश प्रभु जी ने तेजस एक्सप्रेस को लॉन्च किया था और इस तेजस एक्सप्रेस के दो रेक अभी भी इंडिया में चल रहे हैं, एक मुंबई टू करमाली और एक है चेन्नई टू मदुरई। इन दोनों तेजस एक्सप्रेस के बाद अब जो NCR रीजन में पहली तेजस एक्सप्रेस चलने की बहुत दिनों से प्रयास लगाए जा रहे थे और इस रेक को दिल्ली पहुंचा भी दिया गया था और ये बात हो रही थी कि ये चंडीगढ़ चल सकती है और लखनऊ भी चल सकती है। तो ऐसे में रेलवे पिछले एक साल से कई सारे ट्रायल ले चुका था छुपते छुपाते इस ट्रेन के, रात को दिन में कई बार चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ कई ट्रायल हुए और बहुत से रेल फैंस ने इनको कैप्चर भी किया, बट किसी को भी ये पता नहीं लग पा रहा था कि रियलिटी में ये तेजस एक्सप्रेस किस रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट होने वाली है। तो अब आखिरकार फाइनली अच्छी खबर आ चुकी है और ऑफिशियली आ चुकी है, ट्रेन का नंबर भी आ चुका है, टेंटेटिव टाइम टेबल भी आ चुका है और सुनिश्चित कर जा चुका है कि कहाँ तक ये ट्रेन चलेगी। तो दोस्तों, ये ट्रेन दिल्ली टू लखनऊ के लिए तय कर दी गई है, चंडीगढ़ का भी पता नहीं है, लेकिन जो न्यू रेक कपूरथला RCA फैक्ट्री से बनकर के आया था उसको अब दिल्ली टू लखनऊ के बीच में चलाना तय हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से और रेलवे ये काम बहुत ही जल्दी कर रहा है और जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक या अगस्त के मिड में ये ट्रेन आपको दिखेगी ही दिखेगी। ये काम हो चुका है और इस ट्रेन का नंबर है 12585 जो कि लखनऊ से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन न्यू दिल्ली से नहीं, आनंद विहार जो कि दिल्ली में ही है, आनंद विहार टर्मिनल से ये ट्रेन चला करेगी और 12586 जो कि आनंद विहार से लखनऊ के लिए चला करेगी। इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल आया है, टेंटेटिव मतलब कि इस शेड्यूल में बहुत से बदलाव हो सकते हैं जब ये ट्रेन चलेगी, लेकिन फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं ये ट्रेन किस तरह चलेगी। तो 6:50 पर ये लखनऊ से चलेगी और 8:05 पर कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी, वहाँ 5 का स्टॉप रहेगा, उसके बाद ये दोपहर के 1:20 पर पहुँच जाएगी आनंद विहार टर्मिनल और उसके बाद उसी दिन आनंद विहार से 3:50 पर दोपहर के ये ट्रेन चल देगी और 8:35 पर ये कानपुर सेंट्रल पहुँच जाएगी रात को और 5 के स्टॉप के बाद रात के 10:05 पर ठीक ये लखनऊ जंक्शन पहुँच जाएगी। अभी ये तय नहीं हुआ है कि लखनऊ के कौन से स्टेशन पे से चलाया जाएगा, लखनऊ जंक्शन पे या लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से, तो ये भी तय नहीं हुआ है, लेकिन आनंद विहार से जरूर ये चलेगी ये बिल्कुल तय हो चुका है, न्यू दिल्ली से नहीं चलेगी। और दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे एक तो यात्रियों को जो दो ट्रेनें सुबह हैं लखनऊ से, एक तो गोमती एक्सप्रेस और एक डबल डेकर एक्सप्रेस, इन दोनों ट्रेनों के अलावा एक और प्रीमियम सर्विस उनको मिल जाएगी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके टाइम का बचत करेगी और 6.5 में महज ये तय कर लेगी 500 की दूरी, वो भी अप्रॉक्स 70-80 km/h की एवरेज स्पीड से। अब बात करते हैं तेजस एक्सप्रेस इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन क्यों है, राजधानी से भी ऊपर, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक डोर्स हैं और जितनी भी मतलब कि ऑटोमेटिक चीज़ें हो सकती हैं रेलवे अभी दे रहा है अपनी सर्विस में, वो सारी की सारी इस ट्रेन में मौजूद हैं। तो ये ट्रेन इसलिए सबसे बेस्ट ट्रेन है इंडियन रेलवे की जो कि LHB-5 कोचेस पे चलती है, ऐसे कोचेस जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है हमारी अलग जो पुराने LHB कोचेस हैं, LHB जो कि राजधानी और शताब्दी से ट्रेन में लगते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में और जितनी भी बारीकी से मैंने इस रेक का एनालिसिस किया है, उस रेक का एनालिसिस अगर आपको देखना है कि उस रेक के अंदर कैसे ऑटोमेटिक डोर है, किस तरीके की लाइटनिंग है, किस तरीके की सुविधा है, कैसे क्या बटन दिया है, कैसे कहाँ पे इसकी सीट है, कौन सी सीट किस तरीके से लगी हुई है, ये सारा एनालिसिस मैंने एक वीडियो में कराया है और इसी रेक का कराया है जिसमें मैंने नाम दिया था दिल्ली टू चंडीगढ़ तेजस। तो लेकिन क्योंकि उस वक्त पता नहीं था तो उस वक्त यही रेक था और यही रेक अब लखनऊ को दे दिया गया है। तो इसका अगर आप पूरा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे लिंक दे देता हूं, आप इसको जाकर देख लीजिए और एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी इस रेक के बारे में। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है तेजस एक्सप्रेस के बारे में और लखनऊ को ये तेजस एक्सप्रेस मिल गई है, अगर आप इस रूट के आसपास रहते हैं तो आप क्या इस ट्रेन का फ़ायदा उठाना चाहेंगे वर्तमान में, तो ये ट्रेन अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में अगर आप जब ये चलेगी अगस्त के महीने तक तो आप जरूर फायदा उठाएंगे कि नहीं, जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।